दोस्तों कैसे हैं। आज जो अपडेट लेके आया था वो आरबीएल बैंक पे लेके आया था। 24 तारीख के संडे का दिन है। आरबीएल बैंक जो है अपने एक अच्छे लेवल पे खड़ा है। ये अपने टेस्ट से 23% पे खड़ा है। ये 360 पे अगर देखेंगे डेरिवेटिव में जाकर के, तो 360 पे ही सबसे ज़्यादा शॉर्ट की पोजिशन 7 लाख की बनी हुई है। इनफैक्ट 350-340 पर अनवाइंडिंग भी हो रहा है, लेकिन 360 पे अनवाइंड नहीं हो रहा है। ये बैंक निफ्टी के पैटर्न को भी अच्छा फॉलो करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे 10 रुपया का इसने जो गेन दिया है, 348 का जो वॉल्यूम वेटेड है वहां पे जाकर के 359 पे क्लोज दे रहा है लास्ट आवर में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लास्ट आवर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखा है। तो क्या ये रिट्रेसमेंट का सही लेवल है कि यहीं से गिरेगा? ये बैंक निफ्टी को कंप्लीट फॉलो करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है 11 से 12% है, मींस कि कोई बहुत बड़ी पोजीशन डिलीवरी बेस्ड नहीं बन रही है, ये ट्रेडर पोजीशन बना रहे हैं। तो आप भी चाहें तो कोई भी 365 क्रॉस करता है तो आप इसको 421 के लिए, 401 पहला और फिर 423 के लेवल के लिए, जो कि 40% रिटेस्टमेंट है, वहां तक जाने की ये दम रखता है। लेकिन 80% चांस है कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि 7 लाख का डेरिवेटिव में बहुत बड़ा पोजीशन है। तो ये वापस अपने लेवल 325 को देखने का हो सकता है दम रखता है। तो ये मंडे को एक बहुत ही अच्छा, अगर ये आपको 365 क्रॉस होता है तो 411 के आसपास जाते हुए दिखेगा आपको पहला और 423। और अगर वो 330 को तोड़ता है तो ये 250 के आसपास आते हुए आपको वापस दिखेगा। तो अच्छा पोजीशन है यहाँ, दोनों वॉच रखिए। जिधर भी मिलेगा अच्छा स्मार्ट गेन मिलेगा आपको, मिनिमम 50 पॉइंट का गेन तो आपको दोनों तरफ मिलने वाला है। इस पे एक वॉच लिस्ट रख सकते हैं, अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट है यहाँ पे। चलिए इसके डिटेल को देखते हैं। आरबीएल बैंक जो 22 तारीख को क्लोजिंग दिया, 359 NHC पे दिया, 30 पैसे पे, 24% आपके साथ। वॉल्यूम 2,32,61,684 का हो रहा है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज में देखेंगे तो एक अच्छा गेन दिखाया है, जहाँ पे इसको 348 पे होना चाहिए तो 359 बहुत ही अच्छा गेन लेकर के एक साथ क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पे लास्ट आवर में जो मैं आपको बता रहा था, लास्ट 30 मिनट में भी देखिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है। और लास्ट आवर में देखेंगे तो यहाँ से RSI भी जो है वो नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसको हम डेली बेसिस पे भी डेली बेसिस पे देखें इसको, तो यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे एक 330 के आसपास का सपोर्ट लगा लीजिए। ऊपर 406 पहला लेवल है, वहाँ पे जा सकता है। आप देखेंगे ये रेड कैंडल को पूरा कवर करते हुए ऊपर की ओर गया हुआ है, जो यहाँ से बहुत छोटा बेरिश सिग्नल दिखाया, लेकिन ज़्यादा बेरिश नहीं था। इनफैक्ट ये प्रीवियस को भी नहीं तोड़ा, प्रीवियस लो को जो था इसका 324 को नहीं तोड़ा और वहाँ से ऊपर की ओर जाते हुए निकला। तो 363 का ये 332 का लो बनाया है, तो 330 का कहीं ना कहीं आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लें। लो पोजीशन बनाना है तो 406 के और 330 का स्टॉप लॉस लगा के बनाएं। अदरवाइज बेहतर तो ये है कि 360 का आप इसमें 365 का इनफैक्ट आप लगा लीजिए। इसका जो हाई, इस कैंडल का जो हाई है ये है इनफैक्ट 388 है, ये इतनी 365 ही है, 366 365.45 है। तो 366 का हाई लगा लीजिए और आप वहाँ पे इसको शॉर्ट की पोजीशन में चाहें तो वापस ये आपको नीचे की ओर पहला जो आएगा आपको 317 और 317 के आसपास, मतलब 312-17 आएगा, और वहाँ से नीचे फिर आपको 250 की ओर भी जाते हुए वापस दिख सकता है। हो सकता है इस बार ये अप ट्रेंड में है, अगर ये 316-17 तोड़ता है तो बहुत ही नीचे जा सकता है।
क्योंकि इसका जो एक पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न है अप नीचे, तो ऊपर की ओर बन चुका है। अब नीचे की जो इसका ये है एंगल है वो बनना बाकी है लकीर। अगर हम देखें तो ये रिट्रेसमेंट पे देखें तो एग्जैक्ट 357 रुपये 48 पैसे पे इसका यहाँ पे 23% का जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट है। मैं इसी को बता रहा था, अगर ये इसको क्रॉस करता है, जस्ट इसको क्रॉस करके भी ये रखा हुआ है, अगर ये क्रॉस करता है तो वापस ये 423 की ओर चला जाएगा। इनफैक्ट अगर इसके पाइवोटल पॉइंट को भी देखें तो अब यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये इस पाइवोटल पॉइंट को 355 को क्रॉस करके ये ऊपर खड़ा है। अगर ये क्रॉस करता है तो पाइवोटल पॉइंट में भी इसको 401 रुपया दिख रहा है, और अगर ये पाइवोटल पॉइंट का टॉप है फिर वापस नीचे गिरता है तो इसको जो पहला सपोर्ट है 293 के आसपास सपोर्ट है, जो कि ये भी चांसेस है फिर टूटेगा और नीचे 250 की ओर आते हुए आपको दिखेगा। तो RBL बैंक यहाँ पे आपने देख ही लिया 423 जो जा सकता है, अगर ये क्रॉस करता है तो 23% तो 42% रिट्रेसमेंट में जा सकता है। अगर ये निफ्टी के पैटर्न को देखें, MACD लाइन जो है पैरेलल लाइन चल रही है डेली बेसिस पे, अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी के पैटर्न को, बैंक निफ्टी के पैटर्न को आराम से फॉलो कर रहा है, जैसा बैंक निफ्टी चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक गिरावट की संभावना है जो दिख रही है, गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। जैसा आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, तो अगर 30,000 तोड़ता है तो ये वापस यहाँ पे आके 30,700 के आसपास आके सपोर्ट लेगा। तो उसी से समझ में आ रहा कि चूँकि ये बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, हम देखिए यहाँ से जब ये नीचे गिर रहा था तो वो भी नीचे गिर रहा था, तो बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा, फिर ये अप लिया तो ये भी अप ले रहा है, अब साइड निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है। इसकी इस पर ये है आपका RBL बैंक और ये है निफ्टी बैंक, तो इसको फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं RBL बैंक इसको फॉलो कर रहा है तो वो बैंक निफ्टी को फॉलो करेगा। अगर इसको डेरिवेटिव में देखें, देखने की कोशिश करें RBL बैंक, तो RBL बैंक जो है आपको भी डेरिवेटिव में 361 पे है, लेकिन चेंज इन पोजीशन जो है वो -6%, तो अंडरलाइन पोजीशन जो है वो ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है। मीन जो भी लॉन्ग पोजीशन है यहाँ से जो समझ में आ रहा है वो अनवाइंड हो रहा है, इसका मतलब है जो लोग पोजीशन बना के बैठे थे वो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि ये जो है 361 पे है और यहाँ 359 है, इसका मतलब ये प्रीमियम पे जरूर है 2 रुपया का फ्यूचर में, एक पॉजिटिव है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पहले ये अब देखिए जो डिलीवरी परसेंट है 14%, 8%, 7%, 15%, 6%, 9%, 18%, 8%, 12%, तो कोई ये लॉन्ग डिलीवरी पर्पज से नहीं बन रहा है, बट ट्रेडिंग पर्पज के लिए इसमें काम हो रहा है। और पहले आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे 8 नवंबर से 323 के बाद 343 गया था, फिर वहाँ से शॉर्ट की पोजिशन बनी तो 32, 18, 17, 23, 22, फिर वापस 44 पे है, ये वहीं पे है 44 से फिर नीचे गया 34 पे, और इस बार पहली बार क्रॉस किया है इसको। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर देखेंगे तो इस लास्ट अब 8 तारीख के बाद से देखेंगे तो पहली बार ये 359 का हाई क्रॉस किया है इसने, तो इस पॉइंट से पॉजिटिव दिखता है। तो एकदम जस्ट अपने पैटर्न पे अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा आएगा। अब यहाँ पे भी देखिएगा तो 350 के कॉल और 340 के कॉल से यह अनवाइंड हो रहा है, मीन जो शॉर्ट की पोजीशन बनाई गई थी उसको प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल रहा है। बट स्टिल देखिएगा 360 पे पोजीशन एज इट इज इनफैक्ट और भी क्रिएट की गई है 1,18,000 से, और टोटल हाइएस्ट 7,36,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो कि उसके बाद कहीं नहीं है, उसके बाद सीधा 400 पे है और 400 पे अनवाइंड भी हो रहा है। तो अगर ये किसी भी तरह से 360 को क्रॉस करता है तो ये जो 7,36,000 के जो शॉर्ट की पोजीशन है ये कवर दिखते हुए करेंगे और ये सीधा इसको 400 पे ले जाकर के खड़ा कर देंगे। तो दो चीज आप कर सकते हैं, आइदर आप 360 के पुट को ले लें जो 10 रुपये, या 350 के पुट को ले लें जो 640 में है, पेपर ट्रेड करें, मार्केट में डायरेक्ट कोई भी पोजीशन नहीं बनाए। अब मेरे कहने से तो नहीं बनाए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बनाए। तो एट द मनी 360 पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 1,18,000 की पोजीशन है, 7 लाख की है, जबकि पुट की ओर देखें तो 1,17,000 ही है, और 1,02,000 से ही पुट में शॉर्ट किया जा रहा है,
मीन्स कॉल की साइड में ज़्यादा शॉर्ट है, ये एक चीज़ जरूर देखने को है। और नीचे ऊपर की ओर शॉर्ट की पोजीशन भी पुट में नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं इस डेरिवेटिव पोजीशन से ये जरूर दिख रहा है कि 360 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, ये ऐसे क्लोज नहीं होगा। और मुझे जो लग रहा है यहाँ से रेट्रेसमेंट एक बार लेगा और ये वापस आपको पहला लेवल जो है वो आपको नीचे की ओर 300 जो दिखाएगा, जो 4,50,000 का यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ तक जाते हुए आपको दिख सकता है। तो कोई भी अगर पोजीशन बनाते हैं या पुट की पोजीशन को लेते हैं, जो 350 का पुट 6,40 में है, आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, अब बाइंग पोजीशन 2,96,000 है, मीन जो 2,200 रुपया का था उसको शॉर्ट करके 6,40 पे लाए और अब उसको कवर कर रहे हैं, बाय करके इसको कवर कर रहे हैं, शॉर्ट की पोजीशन कम है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 64% है। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस गिर रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है पोजीशन को कवर किया जा रहा है पुट की ओर। तो अब अगर इसको बाय करते हैं 6,40 और अगर थोड़ा मोड़ा मिलता है आपको नीचे 6 रुपये के आसपास, लॉट साइज 1,200 रुपया होता है, 1,200 का लॉट साइज है, तो 7,200 का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। और ये हो सकता है कि अगर नीचे की ओर जाए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करे, लास्ट वीक ये प्रॉब्लम है, टाइम अगर गैप नहीं देती, ये आपको रिटर्न अच्छा खासा डबल होते हुए भी दिख सकता है। स्ट्रिक्टली आप मेंटेन करेंगे अगर इसको पोजीशन बनाते हैं और ये अगर 370 पे चला जाता है, समझिए ये 7 लाख की पोजीशन अनवाइंड होती है और 370 की ओर जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो पहले का जो स्टॉप लॉस था, जो कैंडल था जो बनाया हुआ था, उस कैंडल को अगर ये क्रॉस करता है तो आपको यहाँ से बाहर हो जाना है। अगर ये कैंडल को, मतलब कि अगर ये 365-45, 366 को तोड़ के थोड़ा भी खड़ा रहता है तो आपको वापस ये कैंडल एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ये 406 की ओर जाएगा। तो अगर आपको 366 का स्पॉट लेवल पे दिखता है आरबीएल जाते हुए, तो ये पुट की पोजीशन से आपको एग्जिट हो जाना है। तो ये पेपर ट्रेड करके देखें, मार्केट में कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, ये एक अच्छा है, मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक यहाँ से एक नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस आती है तो। अगर बैंक निफ्टी इसको लेके जाता है तो 411 की ओर ले जाएगा, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप जो लगाएंगे 366, 366 का स्टॉप लॉस लगाइए, और जो इस दिन का हाई था 363 था, तो चाहें तो आप 363 से अगर ऊपर की ओर जाता है, खड़ा रहता है, मतलब 366 के आसपास ही है अगर वो रहता है, तो वहां से आपको लॉन्ग की पोजिशन बना लेनी चाहिए। ये ट्रेडिंग पोजीशन बन रही है कोई भी, क्योंकि 11-12% बन रहा है डिलीवरी परसेंटेज जो है, तो ये सिर्फ ट्रेडर के लिए है, कोई भी इसमें लॉन्ग पोजीशन अभी तो बनाते हुए नहीं दिख रहा है। आरबीएल बैंक पे इतना ही अपडेट था, मेरे कहने से कोई भी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है मार्केट में, आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से बात करने के बाद ही मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।